पहुंच गए मंदिर, देखो यहाँ ऑलरेडी बेचारे बैठे हुए हैं कन्या जी माई। मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी आज क्या हुआ, आज पहले सुबह 7 बजे उठी थी, उसके बाद अपनी बेटी को नहलाया क्योंकि आज है अष्टमी नवरात्रि का, कल ख़त्म हो जाएंगे, और उसको कन्या जी माई में जाना था तो नहला के वो चली गई 7:30 बजे, मैं सो गई। और मैं लिटरली वो अभी एक दो जगह से घूम के जब आ रही थी 9:30 बजे, मैं तब उठी जब हस्बैंड का फ़ोन आया। मतलब दूसरी जो नींद पड़ी ना मुझे, इतनी ख़तरनाक नींद पड़ी मुझे कि 9:30 बजे और अब उठी हूँ। अब आजकल ऐसे चल रहा है, लेट उठ रहे हैं सो के, तो कभी मैगी, कभी पास्ता और कभी कुछ ना कुछ आजकल ऐसे ही बन रहा है। तो अभी पानी गर्म हो गया मेरा, तो हर एक चीज़ छूट सकती थी लेकिन मेरा गर्म पानी नहीं छूट सकता है। चाहे मैं 10 बजे 12 बजे सो के उठूँ लेकिन मुझे उठते ही गर्म पानी चाहिए। तो मैंने गिलास चेंज कर दिया पानी पीने का, पीती थी पहले फौजी मग्गे में, अब एक गिलास में पी रही हूँ। छुपा रहा क्या छुपा रहा बीबू, तूने भी तो नाश्ता कर लिया ना, पूरा खा लिया ना वो नहीं। अब नाश्ता क्या करेगा, अब छोड़ अब इतना सारा प्रसाद खा लिया तो अब तेरे लिए नाश्ता नहीं है ना, क्या खाएगा, छोड़ना यार, फ्रिज बंद करो। बता माँ ही लेके आई थी ना, लेके आई थी ना, अभी कितना सारा प्रसाद खाया तूने, अब नहीं भाई अभी इतना ही होता है नाश्ता, चॉकलेट खाई पता नहीं क्या क्या खाया लड़के ने, कहाँ फ्रूटे मैं जा रही हूँ अपने लिए मैगी बनाने, तुम लोगों ने कर लिया नाश्ता, तुमने मुंह पे क्या लगाया तेरे। अभी उसे मजाक कर रही हूँ कि तेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा, वो सीरियस हो गया, बोलो नहीं मुझे खाना है। मुझे लगता है कि आज ब्लॉग भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि आज बाहर चल रहा काम, मशीन का बहुत शोर कर रही है, अभी तो बंद है, तो ये हमारी रोड 10 बार खुद चुकी है और अब शायद लास्ट है ये, इसके बाद रोड बन जाएगी। तो देखो आज, और मैं बैठ गई थी यहाँ पे नेल पेंट लगाने, देखो पैरों की हाल, नेल पेंट लगाते हैं और देखते हैं कि कब। तो अपना सारा काम निपटाने के बाद नहा गए हैं और अब बैठ गए नेल पेंट लगाने, हाथों पर भी लगा दी, पैर पर भी, और फिर उसके बाद दिन का खाना बनाने का टाइम। समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, दाल वो, तो मैंने सोचा आज पुलाव बनाया जाए, तो इधर मैंने आलू कट करके डाल दिए, टमाटर, और इधर ये चावल, और इसके साथ कुछ न्यूट्री, मैंने कहा ज़रा मिक्स वेज पुलाव बना देते हैं, तो आज पुलाव बन रहा है। अब पुलाव बनने के लिए वो मतलब 3 सीटी आएंगे फिर बंद कर दूँगी, पक जाएगा, और बच्चे आज सुबह से छत पर भगा रखे खेलने के लिए क्योंकि बाहर तो आज वो खेल नहीं सकते, बाहर का एक बार में दिखा देते दे कि बाहर का क्या हाल हो रखा है। पूरी रोड खुद चुकी है ना, पूरा पाइप डल रहे हैं पानी के, तो ये देखो पूरे मशीन चल रही है, तो इसलिए बच्चे बाहर नहीं खेल सकते, मैं ही खेल रहे हैं क्योंकि मोस्टली आजकल छुट्टियाँ हैं ना तो ब्रेकफास्ट करके चले जाते थे 10-11 बजे बाहर खेलने और फिर खाना खाने के लिए अंदर आते हैं, तो आज तो छत पे ही है 10 बजे से, नहीं तो खा लिया खाना, बच्चों ने थाली यहाँ फेंक दी और खाना खा लिया है, और ये रही मेरी पुलाव या वेज बिरयानी, तो ये भाई के लिए रख दिया, और इसमें ना ये माइक्रोवेव का डिब्बा है जिसमें गर्म करते हैं खाना, तो इसमें बिल्कुल गर्म रहता है खाना, और नहीं तो हम माइक्रोवेव में गर्म भी कर सकते हैं अगर लेट में आएगा, तो हमने खा लिया बस भाई के लिए रख दिया। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने, पर रह गलत काम है, देखा जरा बिबू वहाँ पे बड़े मुश्किल से रोड बनी और वहाँ पे खड्डे खोद रहा उस रोड में, अब ओए घर चलो, बिबू क्या कर रहा है, मिट्टी को गड्ढे बना रहा है, ये पाइप ढूंढने वाले लोगों को हैप्पी नवरात्र। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई क्योंकि मैं जा रही हूँ आज मंदिर, और मंदिर जाना भी ज़रूरी है क्योंकि एटलीस्ट मैंने व्रत तो नहीं रखा लेकिन एक दिन, मैंने कहा पूरे हफ्ते में पूरे 9 दिन में से एक दिन मंदिर चले जाऊँ तो अच्छा रहेगा। तो आज कन्या जी माई हो रही है, एक जगह से आ रही दूसरे जगह जा रही, क्या बोल रही है तू तो? कि पैसे बहुत हो गए,
वो देखो पर्स भर गया भाई इन दो इनके देखो, ये हमारी माताएं हैं। तो आज मेरे घर में इतना सारा खाना आ गया है, ये बच्चों को जो करने जब है वो इतना तो खा नहीं पा रहे हैं, ये देख रहे हो, ये देखो इतना सारा। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए, और बिबू अभी सो रहा है और टाइम 10 हो गए, काम निपटाते निपटाते नहाते नहाते 10 बज गए। तो अभी घूम के आ जाती हूँ मंदिर से, फिर विवान को भी उठाऊँगी। लो आज अच्छी सी धूप और हमारी रोड ऐसी बन गई, अब देखो कब तक बनती है। फ्रूट्स दे दो, फ्रूट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे आ रखे हैं। पहुंच गए मंदिर, देखो यहाँ ऑलरेडी बेचारे बैठे हुए हैं कन्या जिमाई। मंदिर मंदिर हो गई, अब मैं मंदिर में बैठी हूँ 5-10 मिनट के लिए, और यहाँ पे पूजा चल रही है अभी। ग्यारह बजने वाले पता है, और तू अभी सो के उठ रहा है, मैं मंदिर से आ गई, चलो अंदर, तेरे लिए भी आ रखा घर पे जहाँ तू जा नहीं पाए। चलो पहुँच गई हूँ अभी घर मंदिर से, और पंडित जी ने देखो जरा टीका कितना उल्टा लगा, और बिबू अभी सो के उठ रहा है। तो 11 बजने वाली है, 11:15 हो चुका है टाइम, तो अभी बिबू को ब्रेकफास्ट देती हूँ और अपने आप भी ब्रेकफास्ट करती हूँ। अभी टाइम हो गया है 11 बज चुके हैं देख लो, और अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट। और देखो घर में इतना सारा प्रसाद आ गया था ना, कि जहाँ बच्चे जा नहीं पाए किसी के यहाँ, विभू नहीं जा पाया, माही नहीं जा पाए, तो वहाँ से घर पे प्रसाद आ गया देखो, और मैं यही खा रही हूँ अभी। मतलब मैंने सोचा था कि क्या बनाएंगे ब्रेकफास्ट, लेकिन बोल देने की उस ऊपर वाले की कृपा और माता रानी की, इतना सारा आ रखा मेरे घर में। मैंने जैसे कहा कि जहाँ माई जान नहीं पाई, विवान तो सो रखा था, तो उन लोगों ने घर पे ही उसके बदले की थालियाँ भर भर के भिजवाई हैं, और इतना सारा हो गया। तो मैंने कहा देखा मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट आ गया है, तो मैं भी, मैंने कहा इसी को खाते बर्बाद क्यों करना, तो अभी खा रही हूँ मैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। 7 बजे से लिटरली घूम रही है, और कितने 11 बज गए माई पता है, तब से घूमे जा रही घूमे जा रही। दिखा जरा क्या क्या मिले इधर भी, तो इनके लिए एक फेस्टिवल आ रही है, इतने खुश थे 2-3 दिन पहले से कि कन्या जिमाई होगी। वाह, अरे ऐसे पैसे मत, ऐसे मत फेंक, वो देखिए दे, देकर माई ने कितना बड़ा पर्स रखा हुआ है, अरे बाबा मोर माई कर, मैं कितना करोड़पति हो गई यार माई तो। रुक रुक ऐसे नहीं, मजे पड़ गए भाई इनके, तो तू सो के क्यों नहीं उठा टाइम से, उठ जाता तो तू भी जाता, अब इसको भी ले जाना जहाँ लेके जाएगी, ठीक है। थोड़े पैसे मुझे, मजे पड़ गए भाई इनके, तो तू सो के क्यों नहीं उठा टाइम से, उठ जाता तो तू भी जाता, अब इसको भी ले जाना जहाँ लेके जाएगी, ठीक है। देखो भाई भाई रोड बनाने वाले आए नहीं, तो हमारे जो मोहल्ले की लेडीज हैं वो खुद ही लग गई काम करने के लिए, देखो साथ में बच्चे भी। वही तो है, सेल्फी ले ले, सेल्फी नहीं हो, देख सांप छोटा, वो तो बच्चा है, ये देखो बच्चा कहाँ है, बच्चा नहीं है, बहुत है, लंबा तो बहुत ज्यादा, ये इतना बड़ा था सांप के घर के अंदर आने वाला था, जस्ट घर के ही बगल में था, और अंदर आ गए थे वॉकिंग करके, फिर बाहर से आंटी लोग चिल्लाए कि सांप सांप, तो हम लोग सब ने बाहर भाग गए, देखा तो सच में इतना बड़ा सांप था। खैर कोई नहीं, अभी वो वहीं जाके छुप गया, हमने उसको मारा नहीं, क्योंकि बोलते ना बेजुबान हो कि परेशानी करना चाहिए मारना नहीं चाहिए। तो अभी आ गए हैं अंदर, अब बनाते हैं हम लोग खाना, और इस ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं गाइज यहीं पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, जो खास कर नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, और अपना ख्याल रखिए।